सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आज देव को फिर से सोना के पापा की बेइज्जती सहनी पड़ी। अब ऐसा क्या हुआ जो सोना के पापा को देव को करना पड़ा बेइज्जत, आप खुद ही देख लीजिए। काफी वेट करवाती हो तुम, अब खाना शुरू करें। हाँ क्यों नहीं, अब खाना शुरू करते हैं। क्या खुशबू है। अरे ये तो शॉबी माच। अरे मैंने गुन्नी से कहा था कि देव के लिए कुछ वेज बना दे, तुमने सब फिश बनवा लिया। सोना के पापा नहीं छोड़ते देव की डिसरिस्पेक्ट करने का कोई भी मौका। अब देखिए ना, सोना के घर रहने आए देव के सामने बिजॉय ने रख दिया नॉन वेजिटेरियन खाना। क्या खुशबू है। अरे ये तो शॉबी माच। अरे मैंने गुन्नी से कहा था कि देव के लिए कुछ वेज बना दे, तुमने सब फिश बनवा लिया। और ये सब कुछ बिजॉय ने देव को बुरा फील कराने के लिए जानबूझकर किया। अरे भाई मेहमान आए हैं घर में तो फिश तो बननी थी ना। ओ, मैं कैसे भूल गया। माँ तुमने भी याद नहीं दिलाया कि देव फिश नहीं खाता है। अरे आप लोगों को बताना चाहिए था ना मुझे कि देव फिश नहीं खाता है। अरे रे रे, क्या क्या करें। देव कहाँ खाओगे तुम खाना, एक काम करो तुम बाहर जाके खाना खाते आओ। अपनी बेटी की खुशी के लिए सोना की शर्त को मानने वाले देव को क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है। लेकिन कोई नहीं, फिलहाल तो देव कुछ भी करेगा। लेकिन इससे पहले कि देव को खाने का इंतजाम करना पड़ता, आ जाती ईश्वरी अपने बेटे के लिए अपने हाथों से बना खाना लेकर। उसे मैं ले आई हूँ देव। दादी सुहाना मेरी बच्ची, वो गोलू पूरी रात भर सोया नहीं, तू नहीं था ना घर। मैंने उसे कहा भी फोन लगा कर देती हूँ, पर मना किया। और आज सुबह जिद करने लगा कि बिकचा के पास जाना है, इसलिए ले आई मैं उसे। अच्छा किया ना माँ। ये क्या लाई है। ये वो मैं खाने के वक्त आ रही थी तो मैंने सोचा कि सुहाना के लिए और तेरे लिए कुछ खाना ले आऊं। वेल, अब इनका खाना तो हो गया थैंक्स टू ईश्वरी। लेकिन इनकी शर्त के मुताबिक जब देव सोना के घर है तो उसके परिवार से कोई उसे मिलने नहीं आ सकता। और ऐसा ही सोना के केस में भी होगा जब वो 8 दिन बाद देव के घर रहने जाएगी। वैसे आपको बता दे कि शाहिर की गैर मौजूदगी में ये सीन उनकी ट्यूब के साथ शूट किया गया। तो अब देखना होगा कि बाकी के दिन देव बिजॉय के साथ कैसे काट पाएगा। अक्सर बानी E24।